आपका एक बार फिर से स्वागत है धाकर न्यूज के इस ताजा तरीन एपिसोड में। आप देख रहे हैं धाकर न्यूज विश्व का सर्वश्रेष्ठ नेटवर्क केवल धर्मेंद्र धाकड़ के साथ। फिर से वैलेंटाइन का त्यौहार महीना यहाँ पे चालू है और लोग अजीब अजीब हरकत यहाँ पे कर रहा है। तो जिस तरह से पिछले साल हमने आपको यहाँ पे लाइव ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी, तो इस साल भी हम लोग आ गए हैं यहाँ पे और आपको दिखाएंगे। एक चीज हमें नजर आई है तो उसको देख के एक शायरी हमें याद आया कि जो बातें जुबान कह गई वो आंखें कह गई, जो बातें जुबान कह गई वो आंखें कह गई, तू झाड़ियों में चली गई तेरी यहाँ याद रह गई। देखिए इस चीज को यहाँ पे बैग लपका के उधर गया होगा पेड़ उड़ के पीछे, जो कि जो भी बेरोजगार आशिक है यहाँ पे ओयो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो झाड़ी और पार्क वार्क का यहाँ पे सहारा लेते हैं, जो भी गड़बड़ उनका करना होता है उसके लिए। तो यहाँ पे रिपोर्ट हम लोग दिखाएंगे अभी झाड़ियों में चले कहा जी, लेकिन देखिए उधर थोड़ा सा बहसबाजी टाइप हो रहा है, तो क्या है आप लोग आइए देखते हैं। थोड़ा सा ये लोग बहस कर रहा है जी, क्या हुआ है यहाँ पे देखिए। नहीं नहीं क्या क्या हुआ क्या, अरे बात क्या है। ये मेरी गर्लफ्रेंड है, अच्छा, पिछले 3 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं, साथ में हैं। पिछले 1 हफ्ते से ये फोन नहीं उठा रही है मेरा और आज मैं यहाँ के देख रहा हूँ तो इनके साथ घूम रही है। वेरी सैड, दिस इज वेरी सैड, मतलब फोन नहीं उठा रही है, फोन नहीं उठा रही है, इनके साथ घूम रही है। काहे जी काहे दिल तोड़ते हैं इसे। मैं इसके साथ थी पहले लेकिन अब हम इसके साथ नहीं है, अब हम इनके साथ है, ये है मेरा भी है। हाँ जी तुम बॉयफ्रेंड हो इसके? हाँ जी साथ, ये हम दोनों साथ में है। और ये लुच्चा कब से परेशान कर रहा है, झूठ बोल लो भैया, ये कोई बॉयफ्रेंड वगैरह नहीं है, झूठ बोल रहा है, ये बॉयफ्रेंड हम है इनके। क्या क्या हुआ, हम इनके साथ है अब, पहले थे हम इनके साथ, ब्रेकअप हो गया हमारा, अब हम इनके साथ। ब्रेकअप हुआ जी? कोई ब्रेकअप नहीं हुआ है, अभी पिछले हफ्ते मैंने इनको डेयरी मिल्क ला के दिए, पूछिए इनसे। डेयरी मिल्क दिया? और क्या, हमने तो वो रोशन फरारो दिया था। कोची अरे फरारो रोशन चॉकलेट होता है ना, पोर्न स्टार चॉकलेट है। हाँ सर चॉकलेट होता है, पोर्न स्टार जैसा नाम, इसे महंगा का डेयरी मिल्क से? अरे बहुत महंगा सर, बिलायती चॉकलेट है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैडम ये बात बताइए कि आपको किसके साथ रहना है? हमको तीन ही के साथ रहना, तभी तो हम इनके साथ है, ये आके कैसे इनके साथ रहना पिछले 3 साल से। बड़ा ही देखिए यहाँ पे बड़ा ही सेंसिटिव मामला जो है, बड़ा ही संवेदनशील मामला इन लोगों के साथ। यहाँ पे बात बताओ कि ओरिजिनल कौन है तुम लोग में? हम है भैया जी, हम है ओरिजिनल, हम है ओरिजिनल, डुप्लीकेट 1 वीक वाले, 1 हफ्ते वाले, तुम प्यार करता है ना, बड़ा ही चुत यहाँ पे चल रहा है प्यार का जी। एक मिनट देखिए इधर अंकल जी है, अब बूढ़े बुजुर्गों की सलाह ही ले जाती है इस मामले में, तो इनसे पूछेंगे, इनकी लड़ाई आप लोग देख रहे हैं काफी टाइम। तो ये पहले तो ये बताइए कि वैलेंटाइन पे क्या विचार है आपका? वैलेंटाइन के बारे में थोड़ा बहुत सुना है मैंने, ज्यादा नहीं मालूम सर इसके बारे में। अच्छा, तो मतलब इस दिन ना लोग ना लड़का लड़की चुमा चाटी वगैरह करता है आपस में, चुमा चाटी, तो आपको क्या लगता है करना चाहिए? छोड़ दो जो मर्जी, तो आप इधर आइए, इन लोग का जो सिचुएशन है वो थोड़ा सा देख के और एक राय दीजिए। चुप चुप, यहाँ पे देखिए आप लोग देख रहे थे बहुत इन लोग कर रहा था, ये देखिए लड़की है और इनके भूतपूर्व बॉयफ्रेंड है और इनके नए बॉयफ्रेंड है और एक दोनों आपस में क्लेम कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है किसके साथ इनको जाना चाहिए? क्लेम देखो बात सीधी सी है सर, जो ज्यादा प्यार करता हो, मतलब प्यार व्यार ज्यादा कर, कौन करता है ये ज्यादा? अरे हम करते हैं सर, हम करते हैं, झूठ बोला है यार, 3 साल बड़ा ही संवेदनशील मामला हुआ है यहाँ पे। तो ये देखिए कह रहा है कि दोनों प्यार करते हो, खाली प्यार जरूरी है? प्यार भी करता हो, प्यार के साथ साथ वेल सेटल्ड भी हो, मतलब वेल सेटल हो ना। कोच कोच करते हो तुम? अरे सर हम ग्रुप डी में है, रेलवे में। अच्छा सरकारी नौकरी है, तुम क्या करते हो? सर हम तैयारी कर रहे हैं कोची का, गवर्नमेंट जॉब का। साला यानी बेरोजगार ना हो जी, तो सरकारी नौकरी सब लर्न वैल्यू है बेरोजगारी सबका है ये सब, मतलब अभी देखो साला डेयरी मिल्क दे रहा हो 10 रुपए का, अभी बताइए सरकारी नौकरी कोई वैल्यू है? कुछ नहीं वैल्यू, लर्न वैल्यू नहीं है कुछ साला जो बेरोजगार का। बताइए एक मिनट कि आप कुछ दिए थे जी, कौन रोशन चॉकलेट था? फरारो रोशन, फरारो रोशन ही दे रहा है, कितना का आता है? महंगा आता है ना जी सर, 500 हजार का, 500 हजार का 20 रुपए का डेयरी मिल्क दे रहा है तुम, कोई वैल्यू नहीं। अरे सब है ये नहीं है, पैसा उसका का लर्न वैल्यू नहीं है, ये सब करो चीज पूरी की। अरे अरे उस हफ्ते कुछ नहीं होगा, देखिए जाके पढ़ाई करो, नौकरी लो तब होगा, जाके आइए बनो। ये देखिए बड़ा कोची बजे, ये बैंक खिलौरी, ये बैंक की चूत, ये मेरी है, दिस इज माई आशी, हैज टू कम विद मी एक्चुअली। चल कमरा धरो, चलो इधर
तो थोड़ी ये लोग का गड़बड़ दीजिए, करने दीजिए साला, इस तरह का चीज लोग करते रहेगा, बेकार है साला। और तुमको साला कौन सिला इतना देर अजीब पगलाल चल रहा है तुम है? अभी साला अपने पिटाता हमरो पिटवाता, दूगो उन्हें अपने में गांव मरवा रहा है कि हमको चाहिए हमको चाहिए, और तुम बीच में साला घुस गया इधर, साला गजब हाल है। छोड़िए सबके, अब तो आप लोगों ने देख लिया कि जो यहाँ पे जो मैरिड वैरिड कौची कहता है जी कपल उपल गांव बना दो, सिंगल लोगों को कोई नहीं पूछता यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे सिंगल लोग यहाँ पे बैठे हैं, वो कुत्ता भी है जी, इनसे थोड़ी सी हम बात करेंगे। हेलो का जी ठीक है, वैलेंटाइन मनाएगा सिंगले? ठीक है देखो कितना बढ़िया है सिंगल में, जो आराम से सो रहा है वो अब जाएगा कुत्ती के पीछे। इन लोग से थोड़ा सा बात करते हैं। हेलो जी, जैसा कि अभी आप देख रहे थे उधर थोड़ा सा बहस सा चल रहा था, तो अभी जैसा वैलेंटाइन पे हम लोग रिपोर्टिंग करना है ताकि ग्राउंड लेवल से एकदम गाड़ फाड़ रिपोर्ट लेके आए, तो हमें ये बताइए कि जैसा कि वैलेंटाइन का वीक चल रहा है तो मतलब क्या है, इस तरह का त्यौहार यहाँ पे मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? अब देखिए ठीक है, जिसको रहेगा वो मनाएगा ही, अपनी मर्जी है, कोई मनाए ना मनाए, बट जिसको मनाना है वो मनाएगा, किसी के रोकने से ना चाहने से कोई रुकने वाला तो है। मतलब जिसको मनाना है वो मनाएगा ना। तो जैसे कि हमारे वीडियो में भी बहुत सारे सिंगल लोग देखते हैं और आप लोग भी यहाँ पे सिंगल हैं, तो जैसे जो लोग रोमांस करता है इस महीने में तो क्या लगता है, मतलब देख के बुरा नहीं लगता है धक धक दिल पे? हम दूसरों को क्यों देखेंगे, हम यहाँ खुद रोमांस करने आए हैं। खुद तो नहीं साथ में है जी, मदरफकर होली बीच बीच मदरफकर इस तरह का चीज़ यहाँ पे देखिए ये लोग मतलब एकदम पब्लिक में कर रहा है जी है साला, बड़ा ही संवेदनशील मामला है यहाँ पे, उससे भी ज़्यादा है इस तरह का चीज़ यहाँ पे कर रहा है। लेकिन ये सब लीगल है, नहीं तो इनके हम बहुत मार मारते। एक ही चीज़ कहेंगे कि बेंचो कभी भी जो दो मिसाइल है उसके टकराने से विनाश ही हुआ है आज तक, है कोई भी ठीक नहीं है। पर मुंडा कहो जी क्या कर रहा है तुम? I like what you're doing, I want to join them, I want to be part of them actually. इन्हीं के साथ रहेगा तुम? Yeah, actually like what you're doing, I want to join them. वहाँ पे कह रहा था वो लड़की हमारे हैं तीन, इन्हीं के साथ गड़बड़ हुआ है। I want to join them here actually because they have an issues there for a girlfriend. I don't want to be part of them. तू इन्हीं के साथ करेगा कोची? समझ रहे हैं, कड़वा तेल चाहिए तुमको, तो जाओ उधर कैमरा धरो साला। शिलाजीत लेके साला पगलाल है, मेरा कैमरामैन भी बेंचो पगला गया है, कौन इसको शिलाजीत पिला रहा है साला? वहाँ कह रहा है कि उस लड़की के साथ जाएंगे, यहाँ कह रहा है कि इन्हीं के साथ गड़बड़ करेंगे तीन को। बहुत ही सेंसिटिव मामला है, दिमाग काम नहीं कर रहा है मेरा। छोड़ो, झाड़ी में भी जाने का प्लान था लेकिन वो प्लान कैंसिल कर दिया गया है, नहीं करेगा। उधर भी बैठा साला सब मतलब कहाँ है, अब नॉर्मल आदमी भी बैठा देख के भी वही लग रहा है, मेरा दिमाग खराब हो गया, आई एम आउट ऑफ माई माइंड, फक दिस। बंद करते हैं, आप लोग देखते रहे ढाका न्यूज, अगली बार मिलते हैं बहुत ही गड़बड़ रिपोर्ट के साथ। और बरमुंडा तुम्हारा शिलाजीत बंद करना पड़ेगा बहनचोद।